फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 7। तो हम सबसे पहले करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसका निकालना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स, यानी इसके मापांक और कोणांक पूछ रहा। तो हमें क्वेश्चन गिवन है जेड इक्वल टू माइनस रूट थ्री एंड प्लस आई। तो हमारे लिए जो इसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं जेड इक्वल टू आर इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा एंड प्लस आई साइन थीटा। तो इसमें जो ये होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, ये रियल पार्ट है इसका, ये इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। और ये है इसका इमेजिनरी आई, आई यानी इमेजिनरी, ये हो गया हमारी आभासी। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ये, इसको माना इक्वेशन फर्स्ट और इसको माना इक्वेशन सेकेंड, इसे कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जेड इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा एंड प्लस आर आई आर साइन थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रियल नंबर से इसको और ये इमेजिनरी नंबर से इसको, इमेजिनरी वाले को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये कंपेयर करने के बाद ये हो जाएगा आर कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो गया हमारा माइनस रूट थ्री। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड, हो जाएगा ये आई, ठीक है, एंड इक्वल टू आई आर साइन थीटा। तो ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया। अब देखो इस वाले में, देखो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में देखो इनका क्या करना है, बोथ साइड का स्क्वायर कर देना है, दोनों साइड का। ठीक है, तो स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे वन बच गया, तो ये वन का स्क्वायर वन हो गया इक्वल टू, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा एंड इक्वल टू, ये माइनस का स्क्वायर से हट गया तो यहाँ पे बच गया प्लस का थ्री। ठीक है, ये थ्री बच गया, ये बच गया वन इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मानो इक्वेशन थर्ड और ये हो गई इक्वेशन फोर्थ। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा वन प्लस थ्री बराबर किस साइड वाले को। ठीक है, ये दोनों साइड को इधर जोड़ दो एंड बराबर की दूसरी साइड ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा फोर एंड ये इक्वल टू, ये से आर स्क्वायर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो कॉमन लिया आर स्क्वायर, ब्रैकेट में बच गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा फोर। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में प्लस माइनस, सॉरी ये 4 हो जाएगा प्लस माइनस, यानी इसको हम देख सकते हैं प्लस माइनस 2। इसका आंसर आ गया। तो जो ये इसका ये मापांक है, मॉडुलस है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, तो ये r इक्वल टू प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका मापांक। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है क्या, कोणांक यानी आर्गुमेंट। ठीक है, हम इसका आर्गुमेंट, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका जो कंपेयर है, इसका कौन सा रियल एंड इमेजिनरी नंबर, तो ये इसका रियल नंबर था आर कॉस थीटा एंड इक्वल टू माइनस रूट थ्री। तो यहाँ पे आर हमें पता चल गया 2 है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रूट अंडर रूट थ्री बाई टू। सेकेंड हम सेकेंड में करेंगे, ये तो क्या फर्स्ट, हम सेकेंड में क्या करेंगे, इमेजिनरी के लिए, इमेजिनरी था इसका आई इक्वल टू आई आर साइन थीटा, तो आई इक्वल टू आई आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, i से i कट गया तो यहाँ पे 1 बच गया, तो ये गया 1 इक्वल टू, ये हो गया 2 साइन थीटा।
साइन थीटा बराबर क्या आ गया, ये आ गया 1/2, ये 2 चला गया इसके अपॉन में, तो ये आ गया 1/2। देखो ये दोनों किस में आ गए, हेंस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2, ये प्लस में, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या है माइनस √3 में। ठीक है, तो हम इसे इसके क्वाड्रेंट्स देख सकते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, जो इसके चतुर्थांश होते हैं। तो देखो ये पहले में क्या होता है थीटा, ये प्लस में होता है, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये प्लस में है। यहाँ पे ये है सेकंड, तो सेकंड में क्या है, ये है साइन थीटा का इधर, तो ये प्लस में है, बट इधर क्या है ये कॉस थीटा, ये क्या है ये माइनस में होता है। ठीक है ना, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस प्लस, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है प्लस माइनस है हमारा, ये साइन थीटा प्लस में है। ठीक है ना, ये क्या है, ये साइन थीटा प्लस में इसकी वैल्यू, और ये कॉस थीटा की क्या है माइनस में। तो हम ये क्वाड्रेंट टू में, तो ये हम यूज़ करेंगे पाई माइनस थीटा, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे ये वैल्यू, वैल्यू पाई माइनस थीटा। तो थीटा हमें इक्वल टू यहाँ पे गिवन है, क्योंकि साइन थीटा 1/2 की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री। ठीक है, साइन 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या पाई बाई सिक्स। तो हम क्या करेंगे, इसके जो वो है आर्गुमेंट तो निकाल सकते हैं, तो इसके आर्गुमेंट हो जाएंगे हमारे साइन थीटा के लिए, सारे साइन थीटा के पूरा के लिए, तो ये हो जाएगा इसके आर्गुमेंट हो जाएंगे हमारे पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा 6π एंड माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल टू ππ/6। ठीक है, ऐसे ही आप इसका पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, ये बोला चेंज इनटू पोलर फॉर्म। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है 1-i, इसको हमें ध्रुवीय रूप में परिवर्तन करना है, चेंज करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो ये जो पोलर फॉर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमें इस तरीके से होता है, मतलब इस तरीके से लिखना है हमें पोलर फॉर्म में, जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम कंपेयर कर देंगे इसको। ठीक है, तो कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा रियल साइड, तो ये होगा आर कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड प्लस आर साइन थीटा में। ठीक है, आई आर साइन थीटा में, आई आर साइन थीटा वाला। ठीक है, तो वैसे भी ये आई आई वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, तो हम सीधे इससे कंपेयर करेंगे। तो रियल नंबर को ये हो गया इधर रियल, वास्तविक संख्या वाला, तो ये जाएगा हमारा 1 इक्वल टू ये क्या है आर, ये वाला आर कॉस थीटा, तो ये हो गया आर कॉस थीटा। ठीक है, और ये सेकंड वाला हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इधर वाला इसको करेंगे इससे, तो ये हमारा माइनस आई इक्वल टू आई आर साइन थीटा, कि आई से आई कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया -1। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का। ठीक है, यहाँ पे बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, इधर भी इधर भी इधर भी, और इसमें भी करेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू ये हो गया आर स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा समीकरण, इसको मान लो फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, तो ये हो गया हमारा थर्ड, इसमें भी स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर एंड इक्वल टू ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसके बाद ये हो गया हमारा, ये हमारा इक्वेशन। ठीक है, इसको भी लिख लो, ये भी हो गया हमारा 1 का स्क्वायर हो गया +1 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इक्वेशन 4। अब दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पे क्या हो जाएगा 1+1। ठीक है, जो इक्वल टू के इधर है बराबर की साइड, दोनों को इस साइड ऐड कर लो, और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ये वाला हो गया हमारा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे मैं आर स्क्वायर आई स्क्वायर के लिए कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारा +2 आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया हमारा 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया +2। ठीक है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √±2, तो ये प्लस में होता है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक बार रख देंगे हम ये इक्वेशन, ये हमने फर्स्ट मानी समीकरण और ये समीकरण 2 में, तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे।
और यहाँ से कॉस थीटा की, तो पहले हम यहाँ पे रखेंगे, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट टू इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वन, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई रूट टू, ठीक है। सेकेंड हम यहाँ पे रखेंगे इस वाले में, तो यहाँ पे भी ये बच गया, क्या बच गया था देखो, यहाँ पे भी ये माइनस में, ठीक है, तो ये माइनस आई इक्वल टू आई रूट टू, ये आर की जगह हमने क्या रखा यहाँ पे रूट टू रखा, इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से भी आई से आई कैंसिल, यहाँ पे माइनस वन और ये अपॉन में रूट टू चला जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन बाई रूट टू। अब हमें चेक करना है क्वाड्रेंट्स में, तो क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, ये है क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट में क्या है, इसमें ये वैल्यू है, एक वैल्यू है हमारी किस में, ये प्लस, ये हमारी प्लस में कॉस थीटा वाली, और साइन थीटा वाली किस में, माइनस में, तो ये है हमारी साइन थीटा की वैल्यू और ये माइनस वाली होती है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कौन से में, इस वाले में, ये हो गया हमारा साइन थीटा किस में, ये वाला, सॉरी ये वाला साइन थीटा है, ये हो गया हमारा माइनस में, और ये कॉस थीटा, कॉस थीटा की ये वाला वैल्यू होती है, कॉस थीटा इस पे चलता है, ठीक है ना, ये हमारी साइन थीटा वाली होती है, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ये माइनस में इसमें, और ये प्लस में है कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये आएगा हमारा माइनस थीटा, तो ये चौथे क्वाड्रेंट्स में हो गया, तो ये वैल्यू आएगा इसका चतुर्थांश में चौथे में आएगी, तो ये माइनस में आएगी जो भी वैल्यू आएगी थीटा बराबर, तो हमारे यहाँ थीटा बराबर क्या है, ये वन बाई रूट टू, तो वन बाई रूट टू किसका वैल्यू होती है, ये होते हैं हमारे कितने 45 डिग्री की, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं हम कितना, इसको लिख सकते हैं हम 45 को क्या लिख सकते हैं, तो 45 को हम लिख सकते हैं पाई बाई फोर, और ये माइनस में होती है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके पोलर निकालेंगे, तो पोलर निकालने के लिए क्या करें, फॉर्मूला जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू रख दी, तो आर की वैल्यू है अंडर रूट टू और इंटू कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा बराबर हमारा माइनस पाई बाई फोर एंड प्लस साइन थीटा बराबर भी यहाँ पे माइनस पाई बाई फोर, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो बाकी गाइज ऐसे ही मैथ्स की वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।